नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ प्रिया, ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। सरकार की ओर से देश भर में टोल वसूली पर रोक के बाद मेरठ कैंट बोर्ड प्रशासन ने एंट्री फीस के नाम पर जिन स्थानों पर टोल वसूली का अधिकार ठेकेदार को दिया है उनमें बाउंड्री रोड, टेलीफोन एक्सचेंज, रोटा रोड, आर्य बाजार, तोपखाना, सरधना रोड व भैसाली मैदान के अलावा दिल्ली रोड, फैज़े आम के सामने रुड़की रोड, मवाना रोड, लाला मोहम्मदपुर क्रॉसिंग है। टोल की वसूली की वजह से लग रहा जगह जगह पर जाम। कुछ समय पहले टोल टैक्स बंद कर दिया गया था, कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, अब वो पुनः चालू हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ की सेटिंग से सारा का सारा काम हो रहा है। कैंटोनमेंट के समस्त सभासद इसमें लिखते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार का मामला इसके अंदर है। बिना उनकी सहमति के ना तो वे लोग हाईकोर्ट गए, और अगर हाईकोर्ट से स्टे हुआ है तो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो कानूनी सलाहकार हैं, जो उसके अंदर वकील उनके हाईकोर्ट के अंदर अप्रोच करने वाले, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई धांधलीबाजी करी है। और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम क्षेत्र की, शहर की जनता, व्यापारी, आम लोग उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। आम लोगों का सबसे ज़्यादा उससे निकलना होता। फैज़े आम के सामने जो टोल प्लाजा उन्होंने बनाया है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क को उन्होंने तोड़ के साइड से कैंटोनमेंट की जगह में निकाल के 20 फुट की, वहां से कमर्शियल वाहनों को निकाला जाता, अवैध वसूली भी लोग कर रहे हैं। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड और जिला प्रशासन इसे बंद कराएगा ठीक है, और नहीं बंद कराएगा तो हम लोग व्यापार मंडल के बैनर तले इसे 24 घंटे में बंद कराएंगे। काफी समय से, मतलब ये पहले भी चल रहा था और अब भी लगभग 24 से 72 घंटे हो चुके हैं, मतलब निरंतर वो टोल वसूल रहे हैं, अवैध टोल वसूल रहे हैं, तो मतलब इतना देरी, मैं ये कहूंगा कि मतलब ये पूरी की पूरी जो देरी हो रही है ये सब लोग कैंटोनमेंट बोर्ड की सह पे सारा का सारा काम हो रहा। कैंटोनमेंट बोर्ड अगर चाहता तो ये उसी समय इन ठेकेदारों के खिलाफ, अगर ठेका कैंटोनमेंट बोर्ड ने छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपलेबाजी में हाथ कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबरों का भी है और कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ का भी।